तो गाइस शुरू करते हैं हम लोग कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ। चैप्टर का नाम है बेसिकली एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट, बट ज्यादा जो बात होने वाली है वो अनएम्प्लॉयमेंट की होने वाली है। एम्प्लॉयमेंट का क्या है यार, एम्प्लॉयमेंट तो अच्छी चीज है। इस चैप्टर में जो मेनली बात होगी वो होगी अनएम्प्लॉयमेंट की। तो स्टार्ट करते हैं, व्हाट एक्चुअली इज अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट हिंदी में क्या बोलते हैं, बेरोजगारी। कि पर्टिकुलर इंसान के पास काम नहीं है, जॉब नहीं है, उसको हम क्या बोलते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन अ पीपल आर विलिंग एज वेल एज एबल। दो चीजें चाहिए, विलिंगनेस, मैं काम करना भी चाहता हूँ और मेरी एबिलिटी भी है, मैं उस चीज को करने के लायक भी हूँ। कई लोग होते हैं ना, काम करना ही नहीं चाहते, तो वो फिर अनएम्प्लॉयड नहीं है, वो खुद ही नहीं करना चाह रहे तो उसमें क्या अनएम्प्लॉयड है भाई। तो अल्टीमेटली जो लोग काम करना भी चाहते हैं और वो एबल भी हैं उस पर्टिकुलर वेज रेट पे, बट दे डू नॉट गेट वर्क और उनको काम नहीं मिल रहा। लोग विलिंग भी है, एबल भी है, काम करना भी चाहते हैं लेकिन काम नहीं है, उसको हम अनएम्प्लॉयड बोलेंगे। वर्कर क्या होता है, एन इंडिविजुअल एंगेज्ड इन सम प्रोडक्शन एक्टिविटी। किसी भी तरीके की अगर कोई इंसान प्रोडक्शन एक्टिविटी कर रहा है तो वो वर्कर है। अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं भी वर्कर हूँ, अगर मैं बिजनेस कर रहा हूँ तो भी मैं वर्कर हूँ, मैं जॉब कर रहा हूँ मैं तो भी वर्कर हूँ, मैं किसी भी तरीके की अगर प्रोडक्शन एक्टिविटी कर रहा हूँ तो मैं वर्कर हूँ। कितने तरीके के वर्कर्स हो सकते हैं, दो तरीके के, एक होते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड, एक होते हैं हायर्ड। नाम से ही समझ सकते हो, सेल्फ एम्प्लॉयड जो अपना काम खुद कर रहे हैं, किसी के पास हायर्ड नहीं है। हायर्ड का मतलब जो किसी और के लिए काम कर रहे हैं। तो सेल्फ एम्प्लॉयड में क्या लिखा हुआ है, पीपल वर्किंग इन देयर ओन बिजनेस और प्रोफेशन। जो लोग काम कर रहे हैं अपने खुद के बिजनेस या प्रोफेशन में वो होते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड। उनको बदले में क्या मिलता है, दे अर्न प्रॉफिट्स। वो क्या कमाते हैं, प्रॉफिट्स कमाते हैं, तो सेल्फ एम्प्लॉयड आसान हो जाता है। हायर्ड कौन से होते हैं, पीपल हायर्ड बाय अदर्स, जो किसी और के लिए काम करते हैं, दे अर्न सैलरी और वेजेस। उन्हें सैलरी या फिर वेजेस मिलती है, उन्हें हायर्ड वर्कर्स बोलते हैं। अब इसको दो पार्ट्स में कैटेगराइज करा गया है, कैजुअल और रेगुलर। कैजुअल कौन से होते हैं, जो डेली वेजर्स होते हैं, जो डेली काम करेंगे, डेली कमाएंगे, बात खत्म। उनकी कोई फिक्स सैलरी नहीं होती, आज काम है कल नहीं है, आई डोंट नो। तो वो लोग डेली काम करेंगे, दे आर लाइक डेली वेजर्स, और उनके पास कोई सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स नहीं होते, दे आर नॉट एंटाइटल टू एनी सॉर्ट ऑफ सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स। यानी उनका कोई पेंशन, कोई प्रोविडेंट फंड, कोई ग्रेचुटी, किसी तरीके का कोई इंश्योरेंस, कुछ नहीं होता, बस वो डेली वेजर्स होते हैं। उनको कौन सा वर्कर्स बोलूंगा, हायर्ड में कैजुअल, काम तो किसी और के अंडर करेंगे और वो कैजुअल वर्कर्स हैं। कुछ होते हैं रेगुलर, जो परमानेंट हायर्ड हैं बाय बैंक, बाय एनी कंपनी, उनको सैलरीज मिलती हैं उनके काम के बदले में, तो वो कौन से होते हैं, रेगुलर वर्कर्स। दे आर ऑन परमानेंट जॉब्स, दे आर एंटाइटल टू सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स, इन्हें सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स मिलते हैं। तो दो टॉपिक्स कवर होते हैं ये। अब हमारे पास एक इंपॉर्टेंट है, लेबर सप्लाई, लेबर फोर्स और वर्क फोर्स। लेबर सप्लाई, लेबर फोर्स, वर्क फोर्स बहुत ध्यान से समझना। लेबर सप्लाई वो है द अमाउंट ऑफ लेबर विच अ वर्कर इज विलिंग टू ऑफर एट अ पर्टिकुलर वेज रेट। दो चीजें ध्यान रखनी है, एक तो वेज रेट और इस पर्टिकुलर वेज रेट पे मैं कितना लेबर करने वाला हूं। द अमाउंट ऑफ लेबर दैट अ वर्कर इज विलिंग टू ऑफर, मैं ऑफर करूंगा एट अ पर्टिकुलर वेज रेट, मेरे वेज रेट पे। लाइक सपोज मुझे कहा गया कि आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन में हम 20,000 रुपए देंगे, 20,000। मैंने कहा ठीक है सर, अगर आप 20,000 रुपीज दोगे तो इस 20,000 के लिए तो मैं 5 आवर्स ही काम करूंगा। लेट सपोज मैंने बोला कि मैं 5 घंटे काम करूंगा, तो दैट इज माई लेबर सप्लाई, द अमाउंट ऑफ लेबर विच अ वर्कर इज विलिंग टू ऑफर एट अ पर्टिकुलर वेज रेट। वेज रेट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। लेबर फोर्स क्या होता है, नंबर ऑफ वर्कर्स एक्चुअली वर्किंग और आर विलिंग टू वर्क। दिस इज नॉट रिलेटेड टू वेज रेट। मैं कह रहा हूं कि भाई मैं तो काम कर रहा हूं या मैं काम करने के लिए रेडी हूं, मुझे पैसे से मतलब नहीं है, मुझे आप बस काम दे दो। तो नंबर ऑफ पर्संस एक्चुअली वर्किंग और विलिंग टू वर्क, जो काम करना चाह रहे हैं, दिस इज नॉट रिलेटेड टू अ वेज रेट। इसको क्या बोलूंगा, लेबर फोर्स। और वर्क फोर्स क्या है, देखो आप ध्यान देना, वर्क फोर्स क्या है, एक्चुअली वर्किंग। लेबर फोर्स में दो लोग आए थे, जो काम कर रहे हैं या जो काम करना चाहते हैं। लेट सपोज मैंने बोला कि टोटल इकोनॉमी में 100 लोग हैं, 40 काम कर रहे हैं, 60 काम करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये 100 हो गए, ये काम कर रहे हैं, ये अभी कर नहीं रहे लेकिन करना चाहते हैं, ठीक है। अब अगर मैं ये वाले हटा दूं जो काम करना चाहते हैं, बस मुझे देखना कितने काम कर रहे हैं, दैट इज वर्क फोर्स, दैट इज वर्क फोर्स। क्या बोला, द नंबर ऑफ पर्सन एक्चुअली वर्किंग इज वर्क फोर्स। तो क्या मैं ये बोल दू, क्या लेबर फोर्स में से अगर ये वाले हटा दू तो हमारे पास वर्क फोर्स आ जाएगा, करेक्ट है। अब देखो बेरोजगार कितने हुए भाई, बेरोजगार कितने हुए, यही तो बेरोजगार हुए,
60, क्योंकि ये तो एक्चुअल में काम कर रहे हैं, तो क्या होगा लेबर फोर्स, देखो लेबर फोर्स 100 का था, माइनस वर्क फोर्स जो एक्चुअली काम कर रहे हैं, 100 माइनस 48 आता तो 60 आ जाएगा, ठीक है। ये आ जाएंगे नंबर ऑफ पर्सन अनएम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉयड मतलब बेरोजगार, बेरोजगार कौन से होंगे जो काम नहीं मिल रहा, जिन्हें बात समझ रहे हो, जिन्हें काम नहीं मिल रहा, तो लेबर फोर्स माइनस वर्क फोर्स, इसमें से ये हटा दो, एक्चुअली वर्किंग हटा दो, तो जो काम करना चाहते हैं वो आ जाएंगे, काम नहीं है, ठीक है। दोबारा से समझो, सबसे पहले लेबर सप्लाई, जो सप्लाई करूंगा मैं अपनी लेबर कॉरेस्पॉन्डिंग टू अ वेज रेट, ठीक है। लेबर फोर्स, इससे वेज रेट का कोई मतलब नहीं है, दो लोग आते हैं इसके अंदर, एक जो एक्चुअली काम कर रहे हैं, दूसरे जो करना चाहते हैं। अब ये जो करना चाहते वाले हैं इन्हें हटा दो, एक्चुअली काम करने वाले आ जाएंगे, ये मेरा वर्क फोर्स हो गया, क्लियर हुआ। फिर एक फॉर्मूला अनएम्प्लॉयमेंट का बता दिया, लेबर फोर्स माइनस वर्क फोर्स, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। सबसे पहले जो हमारा साइज ऑफ वर्क फोर्स है उसको चेक कर लो कि कैसे डिवाइडेड है। देखो जितना भी वर्क फोर्स है, वर्क फोर्स क्या होता है, जो एक्चुअली वर्किंग है ना, जो एक्चुअल वर्क फोर्स है उसमें मेल परसेंटेज 70% है, यानी अगर 100 लोग काम कर रहे हैं तो उसमें 70 मेल्स होंगे और 30 फीमेल्स होंगी, ठीक है, 30% फीमेल। अब अगर हम टोटल देखें कि यार रूरल और अर्बन वर्कफोर्स कितना है, कि अगर 100 लोग काम कर रहे हैं, मेल फीमेल को छोड़ो, टोटल 100 लोग काम कर रहे हैं, तो उसमें से 70% रूरल एरियाज से होंगे और 30% अर्बन एरियाज से होंगे, यानी कि अर्बन एरियाज में अभी भी काम की कमी है। 70% रूरल एरियाज से देखने को मिलेंगे, 30% अर्बन एरियाज से। अब रूरल एरियाज से लेट सपोज 100 लोग मिले, रूरल एरियाज से लेट सपोज 100 लोग मिले, तो 100 में 58% लगभग मेल होंगे और 41% फीमेल होंगे, ठीक है। अर्बन एरियाज में अगर 100 लोग मिले, लाइक सपोज ये 30% 100 होते, 100 लोग मिले तो मेल होंगे 64.7% और फीमेल होगा 35.3%। डेटा में वेरी फ्रॉम बुक टू बुक, ईयर टू ईयर अलग अलग डेटा हो सकता है, बट आप लोगों को मेन जो चीज समझनी है वो समझनी है कहाँ ज्यादा कहाँ कम, एग्जैक्ट नंबर्स पे मत जाओ, बट एक कॉम्पोजिशन समझो कि कैसे बना हुआ है, ठीक है। ये तो बेसिक, अगर आप नहीं भी पढ़ोगे तब भी चलेगा। अब आता है मेरे पास ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, कि जो वर्कफोर्स है वो कौन से सेक्टर में ज्यादा लगा हुआ है, प्राइमरी में, सेकेंडरी में या टर्शरी में। तो देखो प्राइमरी में इंडिया में, प्राइमरी यानी एग्रीकल्चर सेक्टर, ऑलमोस्ट 43% लोग, 44% लोग अभी भी, आज भी 43.8 लगभग 44-45% लोग आज भी प्राइमरी सेक्टर में। सेकेंडरी में अभी कम है, प्रोडक्शन सेक्टर कोई बहुत ज्यादा हमारा ग्रो नहीं हो रहा, 24.7%। लेकिन जो हमारा टर्शरी और सर्विस सेक्टर है वो है 31.5%, यही इंडिया में है। जो सबसे पहले प्लेस पे है वो है प्राइमरी सेक्टर इंडिया में, नंबर टू पे है हमारे पास टर्शरी सेक्टर, फिर उसके बाद नंबर थ्री पे हमारे पास आता है सेकेंडरी सेक्टर। इस तरीके से हमारी वर्कफोर्स एंगेज्ड है, करेक्ट। तो कुछ ये डेटा बेस्ड क्वेश्चन थे जो हमने कवर अप करे। इसके बाद हमारे पास कुछ छोटी छोटी टर्म्स आती है, जैसे सबसे पहले आता है जॉबलेस ग्रोथ। जॉबलेस ग्रोथ देखो, ग्रोथ हो रही है लेकिन जॉब्स नहीं है, जॉबलेस ग्रोथ। ये कब होता है, जब किसी भी इकोनॉमी में प्रोडक्शन बढ़ रहा है, जल्दी जल्दी तेजी तेजी से प्रोडक्शन बढ़ रहा है। कैसे प्रोडक्शन बढ़ रहा है, कोई अच्छी टेक्नोलॉजी ले आए, कुछ अच्छी मशीन्स ले आए, कुछ नया इनोवेशन निकाला, लेकिन एम्प्लॉयमेंट नहीं जनरेट कर पा रहे कि उतनी ही लेबर में वो काम बढ़ गया, तो ग्रोथ तो हो रहा है बट जॉब्स नहीं जनरेट हो रहे, उसको बोलते हैं जॉबलेस ग्रोथ। इट रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन जीडीपी इज इंक्रीजिंग ओइंग टू इंक्रीज इन टेक्नोलॉजी। मेन जो जीडीपी बढ़ रहा है वो टेक्नोलॉजी की वजह से बढ़ रहा है, विदाउट एनी राइज इन लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। रोजगार नहीं मिल रहा लोगों को, आपने कंप्यूटर दो लगा दिए एक की जगह, काम तो हो जाएगा अच्छे से लेकिन लोगों को थोड़े ना काम मिलेगा, ये मेन चीज है। फिर आता है कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। व्हाट इज कैजुअलाइजेशन, देखो हमने क्या बोला, हमने बोला कि वर्कर दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड, एक होते हैं हायर्ड। फिर हायर्ड भी दो होते हैं, एक होते हैं रेगुलर, एक होते हैं कैजुअल। तो पहली बात तो कैजुअलाइजेशन जब भी आएगा हम हायर्ड वर्कर्स की बात कर रहे हैं जो किसी और के लिए काम करते हैं। अब अगर मैं कहीं और हायर्ड हूँ और मुझे अपना काम, एक रेगुलर काम नहीं मिल रहा, मतलब मुझे परमानेंट काम नहीं मिल रहा, मुझे बस कैजुअल लेबर मिल रही है, कैजुअल का मतलब वही कि आज मिली कल पता नहीं मिली, डेली वेजेस वाला काम मिल रहा है, तो वो लोग, अगर ऐसे लोग बढ़ते जा रहे हैं किसी इकोनॉमी में, उसको बोलते हैं कैजुअलाइजेशन। यानी कि अगर किसी इकोनॉमी में ऐसे लोग ज्यादा हैं जिनके पास परमानेंट वर्क नहीं है, वो बस डेली का काम करते हैं, वो दिहाड़ी वाले लोग, तो उनको कैजुअलाइजेशन कहा जाता है। इट इज अ सिचुएशन व्हेन द परसेंटेज ऑफ कैजुअली हायर्ड वर्कर्स टेंड्स टू इंक्रीज ओवर टाइम। अगर हमारे जो कैजुअली हायर्ड वर्कर्स हैं उनका परसेंटेज तेजी से बढ़ता है तो उसको हम क्या बोलते हैं,
कैजुअलाइजेशन। इसके साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट टर्म आता है इनफॉर्मलाइजेशन। बस आज की इस वीडियो में वो टॉपिक और पूरा करते हैं, फिर आज की क्लास को समाप्त करते हैं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं इनफॉर्मलाइजेशन। तो लास्ट टॉपिक हमारे पास आता है इनफॉर्मलाइजेशन। अब इनफॉर्मलाइजेशन समझने के लिए मुझे पहले आपको इधर लेके आना है। देखो, वर्कर्स को मैंने दो कैटेगरीज में डिवाइड करा, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल वर्कर्स कौन से हैं? जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करेंगे, जैसे कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हो गए, जिनको सारे सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स मिलते हैं, जो ट्रेड यूनियंस बना सकते हैं, मतलब अपने काम में सेफ हैं, सिक्योर हैं, वो सब फॉर्मल वर्कर्स होते हैं। द वर्कर्स वर्क इन ऑर्गेनाइज सेक्टर, दे आर एंटाइटल्ड टू सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स, दे आर प्रोटेक्टेड बाय लेबर लॉज, लेबर लॉज से प्रोटेक्ट करा गया है। दे कैन फॉर्म ट्रेड यूनियंस, वो ट्रेड यूनियंस बना सकते हैं। ये ट्रेड यूनियंस नहीं बना सकते, इनके लिए कोई लेबर लॉज भी नहीं है, इन्हें कोई सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स भी नहीं मिलते। दे वर्क इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर, यानी वही दिहाड़ी वाले लोग, समझ रहे हो, वो सब अनऑर्गेनाइज वाले हो जाते हैं। तो जो वर्कर्स फॉर्मल है वो सारे ये कैरेक्टरिस्टिक्स लेते हैं, और जो इनफॉर्मल है उनके ये कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। अब व्हाट एक्चुअली इज इनफॉर्मलाइजेशन? अगर इनफॉर्मल वर्कर्स बढ़ते जा रहे हैं और फॉर्मल कम होते जा रहे हैं, इसी सिचुएशन को क्या बोलते हैं हम लोग? इनफॉर्मलाइजेशन। इट रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन द परसेंटेज ऑफ वर्कफोर्स इन फॉर्मल सेक्टर टेंड्स टू डिक्लाइन, फॉर्मल कम होगा, एंड इन इनफॉर्मल सेक्टर टेंड्स टू राइज। इनफॉर्मल सेक्टर में तेजी से बढ़ रहा है, तो अगर इनफॉर्मल सेक्टर में तेजी से लोग बढ़ रहे हैं, यानी वही अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जा रहे हैं, तो उस सिचुएशन को क्या बोलते हैं? इनफॉर्मलाइजेशन। इंपॉर्टेंट सवाल है, अच्छे से कर लेना। बस जी, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।